नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। नक्षत्र के ऊपर हमारी श्रृंखला चल रही है। नक्षत्र के कारक तत्व क्या हैं, नक्षत्र के देवता कौन हैं और नक्षत्र के विंशोत्तरी ग्रह स्वामी कौन है, उससे क्या फर्क होगा, कैसे देखा जाएगा और इसका सदुपयोग किस प्रकार से किया जाए जो जीवन में अत्यधिक लाभ दे। अश्विनी नक्षत्र के ऊपर चर्चाएं रहीं। अश्विनी नक्षत्र अगर पीड़ित हो तो क्या कमी आएगी, अश्विनी नक्षत्र के विंशोत्तरी दशा स्वामी अगर पीड़ित हो केतु त्यो क्या फर्क होता है, दोनों में भेद है। अश्विनी नक्षत्र क्योंकि बताया था चिकित्सा से जुड़ा हुआ नक्षत्र है और उसके स्वामी जो हैं वो केतु हैं, वो अपंग लोगों के अपंगता के जीवन में ऊंचाई छूने के प्रतीक हैं। केतु झंडा है क्योंकि झंडे बुलंद करना केतु का कार्य है। जब नक्षत्र पीड़ित हैं तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, परिहार करना चाहिए। जब नक्षत्र के स्वामी पीड़ित हैं तो क्या करना चाहिए, ये मैंने आपको पहले बताया। आज हम शुरू करेंगे भरणी नक्षत्र। लगभग इसके हो सकते हैं दो प्रकरण रहें, दो इसके एपिसोड रहें, दो खंड बने इसके। जो भरणी नक्षत्र है, अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी के चार चरण, भरणी के चार चरण और कृतिका का एक चरण, ये मेष राशि के अंदर पड़ता है। मेष राशि के गुण और भरणी नक्षत्र के गुणों को मिला के फलित ज्योतिष के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। भरणी नक्षत्र अश्विन मास, अगन मास हिंदी में इसको कहते हैं, सितंबर के आसपास ये आता है और इसके जो स्वामी होते हैं इस मास के, मास के स्वामी कह रहा हूँ ना कि भरणी नक्षत्र के कह रहा हूँ। अश्विनी भरणी नक्षत्र का जो आवृत्ति है, समय खंड है, वो सितंबर के आसपास पड़ता है और अश्विन मास कहा जाता है इसको, शुक्लादि अश्विन मास, कृष्णादि अश्विन मास। इसके स्वामी बुध हैं, ये मैं महा के स्वामी कह रहा हूँ, चंद्र महा के। भरणी नक्षत्र राजसिक गुणों का है और भरणी क्या है, भरणी को कैसे समझना चाहिए, उसके पीछे कथा है। कथा में जाने से बेहतर हो, क्योंकि अब ज्योतिष के विश्लेषण में कथाओं से भी ज़्यादा हर व्यक्ति को लगता है कि सीधा अर्थ बता दीजिए, तो अर्थ के ऊपर ज़्यादा विचार करेंगे। भरणी नक्षत्र के अंदर राजकुमार दुर्योधन कौरव वंशी का जन्म हुआ। अब देखिए, महाभारत काल के जब दुर्योधन का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ तो आपको इससे पता लगेगा कि इसकी क्वालिटीज़, योग्यताएं, इसके अंदर छुपे हुए गुण क्या होंगे। इस कारण से भरणी नक्षत्र एक उग्र नक्षत्र है। ये सौम्य नक्षत्र तो है नहीं, लेकिन ये भी कहा गया है भरणी भरण पोषण से जुड़ा हुआ है। जब भरणी अपने शुभता में हो तो ये भंडार भर देता है। भरणी का अर्थ ही भंडारण करना। ये मर्तमान और जार को भी कहते हैं और शास्त्र के अंदर इसको देवी के अंगों में जो विभाजन किया है तो ये गुप्त स्थानों को बताता है, अर्थात ये सृजनात्मक है, इससे नई सृजनाएं उत्पन्न होती है। भरणी का जो आकार है वो गुप्त अंगों का आकार इसमें बताया गया है और साथ में जो हवन कुंड है
जो वैदिक हवन करने की जो पद्धति है उसमें जो हवन कुंड का शेप है वो भी भरणी का ही रूप है। अर्थात इसके अंदर सामग्री अग्नि सामग्री डाल के अग्नि प्रज्वलित की जाती है जिससे कि संसार को ऊर्जा मिलती है। देखिए पोर्टल में सभी तरह के लोग शामिल हैं, कुछ शब्दों का इस्तेमाल बहुत मर्यादित तरीके से रह के करना पड़ता है, आप समझ रहे होंगे। भरणी के जो कार्य हैं वो स्त्रियोचित कार्य, जैसे कि स्त्री विशेषज्ञ, पार्लर का काम, सजने संवरने का काम, इसके कार्य देखे गए हैं। लेकिन इसके जो देवता हैं वो यम हैं, जो कि अपने आप में एक रौद्र रूप है। यम का अर्थ काल भी है, काल का अर्थ समय भी है। अर्थात भरणी नक्षत्र अगर पीड़ित हो तो व्यक्ति को गुप्त स्वास्थ्य समस्याएं आ सकती हैं, उनका ध्यान रखना चाहिए। पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं, अपनी निजी साफ सफाई का ध्यान ज़्यादा रखें। भरणी नक्षत्र के अंदर जो और गुण बताए हैं, ये मिजरी से भरा हुआ नक्षत्र है, अर्थात इसके अंदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स इसके अंदर आते हैं। क्योंकि मैंने बताया ये एक विशेष अंग को सूचित करता है, तो आनंद की जब चरम सीमा समाप्त हो जाती है तो कुदरती इस नक्षत्र का इस्तेमाल भी एक तरीके से थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, और फिर दोबारा आनंद की चरम सीमा के लिए या नई सृजनात्मक चरम सीमाओं के लिए छूने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी देखा गया है कि भरणी नक्षत्र अगर पीड़ित हो या भरणी नक्षत्र जिस स्थान में पड़ा हुआ और उस जगह पे अंश कला विकला पीड़ित हो, तो वो स्थान वो भाव या उसके अंदर ग्रह जो है वो पीड़ित हो तो वो केवल और केवल समाज उसका अपने आनंद के लिए इस्तेमाल कर लेता है, फिर बाद में उसको एक तरफ कर दिया जाता है। लेकिन शास्त्र क्या कह रहा है कि फिर दोबारा से भी इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक तरफ काम निकलने के बाद तो उसको कर दिया, लेकिन फिर दोबारा से उसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है कि ये व्यक्ति इस चीज़ के लिए उपयुक्त है, यही इसकी ज़रूरत है। ये भरणी नक्षत्र का एक माइथोलॉजिकल अर्थ समझ लीजिए। ये थोड़े सख्त होते हैं, दंड देना, क्षमा प्रदान ना करना, इनके साथ बहुत गहरा ताना बाना है। पानी से इन लोगों को डर लगता है, ये चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में हो तो व्यक्ति के जीवन में क्या चीज़ें रह सकती है। पानी का अर्थात जल से संबंधित वस्तुएँ, जलीय वस्तुएँ, उनसे इनको सावधान रहना चाहिए। लेकिन ये नियमों का बहुत पक्का होता है, क्योंकि यम है तो एक बार जो निर्धारित कर लिया उस नियम के ऊपर बना रहता है। चीज़ों को ग्रहण करके उसको नए रूप में बना के पेश करना भरणी नक्षत्र का कार्य है। लगन अगर भरणी नक्षत्र में हो, चंद्र अगर भरणी नक्षत्र में हो, सूर्य अगर भरणी नक्षत्र में हो, आत्मा कैसे अपने आप को रूप बदल लेगी, मन कैसे अपना रूप बदल लेगा, आपका शरीर कैसे अपने आप को रिफॉर्म करेगा, नया बना के पेश करेगा, ये लगन से लेके और नौ ग्रह, दसवां ग्रह तो लगन ही है, उससे बड़ा तो कोई ग्रह हो नहीं सकता, तो वो भरणी नक्षत्र के बारे में बताएगा कि वो किस चीज़ में अपने आप को रिफॉर्म करके, ट्रांसफ़र करके, नया बना के कैसे पेश करें। कामुक स्वभाव के देखे गए हैं, कामनाएं कोई गलत शब्द नहीं है, कामनाएं इच्छाओं को भी बोलते हैं और इच्छाओं को ही बोलते हैं। ऐसे लोगों की कामनाएं भरपूर होती हैं, इच्छाएं भरपूर होती हैं।
लेकिन साथ में इन लोगों को जल्दी सफल होने की चाहत भी होती है। ये उग्र भी नक्षत्र है, क्रूर भी नक्षत्र है, जैसे आद्रा है उसी प्रकार से भरणी नक्षत्र भी उग्र नक्षत्रों की श्रेणी में आता है। ये अधोमुखी है। अधोमुखी का अर्थ हुआ ये गहराइयों में जाते हैं, हर बात की एनालाइज करना, डिटेल करना इन लोगों की चाहत में छुपी हुई होती है। ये काण नक्षत्र है, अंध मंद सुलोचन काण बताए थे मैंने आपको। काण नक्षत्र का अर्थ है जो एक आंख से देखे। तो प्रश्न में जब इसका प्रयोग किया जाता है और प्रश्न में चंद्रमा अगर भरणी नक्षत्र में हो, प्रश्नकालीन समय में अगर चंद्रमा भरणी नक्षत्र में हो, चतुर्थेश या चतुर्थ भाव का भाव मध्य अगर भरणी नक्षत्र में हो, तो वस्तु को जो देखा जाएगा या जो वस्तु हम ढूंढ रहे हैं वो हमें पूरी तरीके से नहीं दिखाई देगी, उसका आधा ही हिस्सा दिखाई देगा कहीं छुपा हुआ, फिर हमें उसे बाहर निकालना पड़ेगा। ये कुल नक्षत्र हैं, अपने घर की जो परंपराएं हैं उसको फॉलो करके आगे निकलते हैं, अपने कुल परंपराओं को बहुत ही ज़्यादा फॉलो करते हैं। इसके देवता यम हैं और केला धतूरा इसके वृक्ष हैं। देखिए पिछले नक्षत्र में भी केले और धतूरे के बारे में आया था, तो भरणी नक्षत्र की पीड़ा को ठीक करने के लिए केले और धतूरे का दान, धतूरा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है और केले का दान तो व्यक्ति अपने सामर्थ्य अनुसार किन्हीं भी लोगों को दान कर सकता है। भरणी एक स्त्री नक्षत्र है, स्त्रियोचित गुण ज़्यादा होते हैं, स्त्रियों से संबंधित काम इसमें देखने को मिले हैं। भरणी का नक्षत्र का जो गोत्र है वो वशिष्ठ गोत्र है और पृथ्वी तत्व इसके अंदर शामिल है। वशिष्ठ जो हैं वो भगवान श्री राम के आचार्य थे। वशिष्ठ का अर्थ है नई शिक्षाएं, लेकिन साथ ही विशिष्ट, तो योग्यताएं बनी हुई हैं वशिष्ठ के अंदर, जो स्पेशलाइजेशंस हैं या जिन चीज़ों के अंदर महारत हासिल करना है वो वशिष्ठ है। धन और वैभव का भी संपन्न होना वशिष्ठ से ही बताया गया है। ली लू ले और लो भरणी नक्षत्र के अक्षर हैं, अर्थात लीलावती, लीला राम, लू से लूनर भी बनता है, अंग्रेजी के नाम भी बनेंगे लेस से, जो भी बनेंगे लू से, ले से लेस भी बनता है जो चिप्स हैं, या ले से जो भी नाम बनेंगे, और लो से लोहपतगामिनी, लोहा, ये सब एक तरीके से देखा जाए तो इनमें भरणी नक्षत्र की जो अक्षर हैं, अवखड़क चक्र हैं, वो इसमें आवृत्ति हो रही है। तो जिन लोगों के जीवन में ये शब्द प्रयोग हो रहे हैं नाम के अंदर, प्रचलित नाम के अंदर, वो कहीं ना कहीं भरणी नक्षत्र से संबंध बना रहे हैं। भरणी के अंदर सिर और माथे को बताएं, क्योंकि ये एक दो नक्षत्रों के अंदर आ रहे हैं, इसलिए वरामीर और पराशर में इसमें थोड़ा सा फर्क देखने को मिलेगा। ये थोड़े दबंग किस्म के लोग होते हैं, रक्त परीक्षक भी हो सकते हैं, अंदर पैथोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, मांस का मीट का कार्य भी ऐसे लोग करते देखे गए हैं, और तमोगुणी इसका गुण है। वैसे तो ये राजसिक, सात्विक, तामसिक में अगर देखें तो पहले नौ नक्षत्र राजसिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया है इसका अंदर का जो छुपा हुआ गुण है वो तमोगुणी है, तो मेरे को कुछ चाहिए, ये इसके अंदर बताया गया है। साथ में ये क्रूर भी होते हैं, तांत्रिक भी होते हैं। तांत्रिक का अर्थ है युति लगा के कार्य करना, कैसे इस काम को करने के लिए मैं क्या औजार इस्तेमाल करूँ कि ये कार्य पूरा हो।
कहीं कहीं इसको शव साधना भी बताया है। शव साधना के लिए देखिए, भ्रमित ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, जो फॉरेंसिक डॉक्टर्स होते हैं, शव परीक्षण करने वाले डॉक्टर्स होते हैं या उनके साथ जो जुड़ा हुआ पैरामेडिकल स्टाफ है, वो मोर्चरी में काम करने वाले, वो भी भरणी नक्षत्र से संबंध बनाते हैं। या ये ले कह सकते हैं हम, जो मृत्यु के कार्यों, डर से, भय से जो कार्य करते हैं, इंश्योरेंस भी हमारा उसी तरह का एक काम है, जो व्यक्ति को अपनी लाइफ को सिक्योर रखने के लिए, मृत्यु भय से बचाने के लिए कार्य किया जाता है। इसके साथ साथ मुकदमा, कोर्ट कचहरी भी इसी नक्षत्र के कार्य बताए गए हैं। पराशर के अनुसार पहला चरण भरणी में अगर व्यक्ति पैदा हो तो ये त्यागी होते हैं, दूसरा चरण धन से सुखी होता है, तीसरा चरण क्रूर कार्य करने वाला होता है और चौथा चरण दरिद्र की लेके आता है। तो पहले चरण में जो लोग पैदा होंगे उनको चीज़ों को आदत होगी कि छोड़ दें इसको, दूसरे चरण में पैदा होंगे तो धनी भी रहेंगे, सुखी भी रहेंगे, और तीसरे चरण में क्रूर रहेंगे, और चौथे चरण में हमेशा ही चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे। भरणी देवी के जैसे बताया था कि शक्तिपीठ जहाँ देवी के अंग पड़े, तो कामाख्या भी इसका एक स्थान है, तो देवी कामाख्या की पूजा भरणी नक्षत्र के शांति के लिए बताई गई है। ये उल्टा त्रिकोण है, खड़ा हुआ त्रिकोण शिव कहलाता है, उल्टा त्रिकोण शक्ति कहलाती है, तो ये शक्ति का स्वरूप भी है। यमराज इसके देवता हैं। जाति इसकी थोड़ी ऐसी बताई है कि ये बहुत ज़्यादा सजने संवरने के शौकीन ना होके काम में लिप्त रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आज भरणी नक्षत्र के बारे में इतनी ही चर्चा रखेंगे। आज का भरणी नक्षत्र के बारे में उपाय, ऐसे लोगों को दान दीजिए जिनमें रक्त की कमी हो, अर्थात रक्त पूर्ति के लिए ऐसे दान जिनसे बॉडी में, शरीर में आयरन बढ़ता है, चना, केला, सेब, अनार देने से भरणी नक्षत्र के अंदर काफ़ी लाभ मिलता है। छोटी चर्चा ज्योतिष को आगे भी जारी रखेंगे। आज भरणी नक्षत्र का क्योंकि पहला चरण था, पहला खंड था, फिर इसके अंदर और गहरी हुई छुपी हुई जो योग्यताएं हैं, कैसे इसका इस्तेमाल करना चाहिए, भरणी नक्षत्र के कारक तत्व क्या हैं, शास्त्र क्या कारक तत्व बता रहा है वो जरूर बताएंगे, और इसके देवता यम किस प्रकार से निर्णय करते हैं चीज़ों का उनके बारे में, और इसके विंशोत्री दशा स्वामी शुक्र उनके बारे में अगली चर्चा में आपके साथ साझा करेंगे। पीछे कुछ दिनों के अंदर बहुत सारे लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया, आप लोगों का धन्यवाद, साधुवाद, त्रुटियों के लिए सदैव समा। कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव भरणी नक्षत्र को लेके या चर्चा कैसी लगी वो साझा कीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, डिसलाइक भी आपके हाथ में, अनलाइक भी आपके हाथ में है, और लोगों को प्रेरित कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, और साथ में चैनल के वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, त्रुटियों के लिए क्षमा, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। आज एक बहुत अच्छी बात यह है कि आज सूर्य मिथुन राशि को छोड़ के कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। राहु से 12वें स्थान में जो भी ग्रह होता है तो वो पीड़ा देता है, राहु से दूसरे स्थान में जब भी ग्रह होते हैं तो उस पीड़ा से निकल जाते हैं। शास्त्रीय कहता है राहु
का फन किसी भी चीज को निगल लेता है, और राहु से बाहर जब कोई निकल जाए तो थोड़ी देर के लिए फियर फैक्टर में रहता है। तो सूर्य अब राहु के आवरण काल से बाहर तो निकल चुके थे पहले ही अंशों के अनुसार, अब उस राशि को भी छोड़ के बाहर जा रहे हैं। सूर्य प्रतीक है सत्ता का, राजा का, राज व्यवस्थाओं में अब बहुत ताकत आएगी। सूर्य प्रतीक है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का, ईश्वर ने चाहा तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा कार्य होगा। लेकिन राहु से जब कोई ग्रह बाहर निकलता है तो कुछ देर के लिए फियर फैक्टर बना रहता है, डर बना रहता है। सांप निकल जाने के बाद भी डर लगा रहता है, तो कुछ दिन के लिए ये रहेगा अभी महीने भर तक, कि कहीं कोई चीज़ हमें दोबारा तो परेशान ना कर दे। देखिए मैंने आपसे वादा किया था, वचन दिया था कि मैं अब आपको धीरे धीरे ज्योतिष से संबंधित चीज़ें भी इसमें डालना शुरू करूँगा। ईश्वर ने चाहा तो आप बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य में वृद्धि, राज्य सरकारों के कार्यों में वृद्धि, राजा को सम्मान, राजा के द्वारा सम्मान अपने आप ही प्राप्त होने लग जाएंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, खुश रहिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। त्रुटियों के लिए हमेशा क्षमा चाहेंगे।